हुसैनी मोहम्मद उपाध्यक्ष जिला गुजर कल्याण सभा चंबा। आज हमारी ये इलेक्शन के बाद तीसरी या चौथी मीटिंग थी और ये जब से हमारा ये नया चुनाव हुआ है और इसके जो पदाधिकारी हैं सुचारू रूप से वो काम कर रहे हैं, हमारा काम गुजर कल्याण सभा का चल रहा है, तो आज हमारी ये शायद पंचमी या चौथी या पंचमी मीटिंग थी, तो हमारा काम सुचारू रूप से चल रहा है और इसका इलेक्शन हो चुका है। इसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन, कोई इसका कोई वो नहीं है, विरोध कोई नहीं है। झूठा प्रचार करके गुमराह कर रहे हैं लोगों को, तो ऐसा ना कभी पीछे हुआ है और ना ये होगा। इलेक्शन हो चुका है, इसमें किसी की कोई मतलब ऑब्जेक्शन किसी का कोई कुछ नहीं है। देखिए, हमारा जो इलेक्शन था इसका गुजर कल्याण सभा का वो हो चुका है। अभी जो लोगों को कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं, कुछ मफाद परस्त लोग जो मतलब लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ दुनिया अपने अमन चैन में बैठी हुई है और इस काम को चला रही है, तो इसमें किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं, ये लोगों को गुमराह करने वाली बात है। सर, समाज कल्याण सभा की ओर से गुजर कल्याण सभा का मेंबर भी हूँ और हमारे डिस्ट्रिक्ट चंबा में कम से कम तकरीबन गुजर बलादरी के जो हमारी बस्ती है वो 13-14 हज़ार तक है और हमारा जो गुजर समाज कल्याण सभा का इलेक्शन था वो हो चुका है। हमारी कमेटी जो है वो उपयुक्त महोदय श्री डीसी साहब चंबा ने उसको रजिस्टर कर दिया और आज उसका विरोध जो कर रहे हैं वो ऐसे ही बिना मतलब के, कुछ लोग अपनी सीट छोड़ना नहीं चाहते थे उसकी वजह से कर रहे हैं और जो हमारे अवाम है वो इस कमेटी के साथ जुड़ चुकी है और हमारे जो कार्यकर्ता अध्यक्ष श्री गुलजार मोहम्मद जी गुजर कल्याण बोर्ड के हैं और सेक्रेटरी श्री गुलाम रसूल जी, वो सब उनके साथ जितने भी मेंबर हैं वो तन मन धन से मेहनत कर रहे हैं और हम अपनी मांगे जो है वो सरकार तक पहुंचा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वो मांगे हमारी पूरी होंगी और हमारे अवाम का काम जो है वो समय पर होगा। मैं आज गुजर कल्याण सभा चंबा में पांचवी मीटिंग जो हमारे अभी सभी ने एक समाज के लोगों ने इकट्ठे होकर सर्वसहमति से जो चुनाव किया गया था उसके बाद हमारी आज पांचवी मीटिंग चंबा में हुई। इस मीटिंग में जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं वो सरकार के समक्ष पहुंच रहे हैं और जो भी ये बीच में घमसान चल रही है, जो कि पुराने नेता थे 15 साल से लगातार उन्होंने कब्जा कर रखा था, जबकि उस कब्जे का आज तक किसी भी गुजर कल्याण सभा के समुदाय को पता नहीं था कि ये गुजर कल्याण सभा क्या है और इसमें क्या होता है, क्या किया जाता है। अब 4-5 महीनों से जब ये चुनाव हुआ कुछ लोगों ने इसके बारे में विचार किया कि इसमें कई गरीबों के काम होते हैं और ये इसलिए बनाई जाती है। जब सब के दिमाग में ये बात पड़ी तो इन्होंने दोबारा से सर्वसहमति से चुनाव किया। हमारे जयराम सीएम साहब जी चंबा में आए थे तो हमें कोई मजबूरी काम थे तो उसके लिए हमें ये चुनाव करना पड़ा था, वो चुनाव किया गया। जगह जगह से इसमें लोग आए हैं, आज भी हमारे पास प्रूफ है, सब वो जो कुछ है मीडिया में मौजूद है, हम उसका प्रूफ ही दे सकते हैं। 15 दिसंबर का जो इन्होंने झूठा ये अफवाह फैला रखी है ये बिल्कुल झूठ है, ना तो कोई इलेक्शन होगा ना किया जाए, क्योंकि ये कमेटी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। इसमें गुजर कल्याण सभा का जो अध्यक्ष है वो गुलजार अहमद जी है और जो सचिव सेक्रेटरी हैं वो गुलाम रसूल जी हैं, उपाध्यक्ष में कासमुद्दीन जी हूँ और मेरे साथ उपाध्यक्ष जगह जगह से 4-5 उपाध्यक्ष भी चुने गए हैं और साफ स्पष्ट काम कर रहे हैं। आज हर घर में हर आदमी के पास ये बात पहुँच चुकी है कि कोई गुजर कल्याण सभा भी होती है, जो कि चंबा में आज तक इसका शो नहीं था। तो अगर शो हुआ, लोग अपने काम के लिए दौड़ रहे हैं, अपना कार्य करवा रहे हैं, तो कुछ लोग जो कि 15 या 20 साल से एक राजनीति में पड़े हैं तो वो अपनी राजनीति जैसे मर्जी करें लेकिन गरीबों के काम पे धब्बा ना लगाएं। हम ये बार बार कह रहे हैं इसमें कोई गुजर समुदाय के दो फाड़े होने को तैयार नहीं है, ना हम करेंगे। जो भी गुजर इसमें 200 या 400 जिन्होंने चुनाव किया, आम गुजर तो काफ़ी जनसंख्या में है लेकिन आम तो कोई भी कम्युनिटी है वो इकट्ठी कहीं भी नहीं होती। कुछ ही जो प्रतिनिधि लोग होते हैं, जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं, वो इनका प्रचार करते हैं, वो चुनाव करते हैं, तो उन्होंने जगह जगह से इकट्ठे होकर इसका चुनाव कर लिया है। तो कई बार क्यों हमें बार बार ये कहने की दिक्कत पड़ रही है कि हम इसकी सफाई पेश करें, ये डीसी ऑफिस तक शिमला तक ये कमेटी जो है रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। इसमें अगर कोई ज़बरदस्ती चुनाव करना चाहता है तो वो अपनी कोई सांसद जो अलग बना ले,
गुजर कल्याण सभा पे राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं है, ना तो इसमें कोई अभी कमी है। अगर कमी होगी इनसे काम नहीं चलेगा, जो कमेटी चुनी गई। तो यही जो हमारी बलादरी है, जो हमारे बुजुर्ग हैं, वो बाद में इकट्ठा होकर दोबारा से चुनाव करेंगे, लेकिन 3 साल में इसमें चुनाव करने की ना तो जरूरत है ना हम करेंगे। इसके साथ सभी गुजरों की सहमति है, जहाँ से मर्जी आप पूछ सकते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई चुनाव नहीं होगा, ना तो कोई चुनाव किया जाएगा। जो हो चुका है उसमें सारी पूरी गुजर डिस्ट्रिक्ट चंबा सहमत है और सहमति से ही चुनाव किया गया। इसके पास हमारे पास सबूत पड़े हैं, अगर कोई देखना चाहता है, मांगना चाहता है, हम दिखा भी सकते हैं। मैं गुलाम नबी गुजर कल्याण सभा का सदस्य हूँ और मैं 4-5 मीटिंग में गया हूँ और ये जो जितनी भी हमारी एक संगठन बना है डिस्ट्रिक्ट का, ये एक बहुत अच्छे स्तर के ऊपर काम कर रहे हैं। तो मुझे इस जो कमेटी हमारी जो बनी है, इनके जो प्रेसिडेंट है और जो सचिव है, इनके ऊपर मुझे बहुत गर्व है कि ये बहुत लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं। क्योंकि ये गुजर जो कल्याण सभा थी, इनकी कोई भी पहचान नहीं थी इससे पहले, लेकिन इनके आने के बाद एक हमारी एक जो संस्था है जो गुजर को जागरूक करने के लिए, ये एक कमेटी बहुत अच्छी बनी है। मैं सोचता हूँ कि इस कमेटी को लास्ट स्तर तक हम कायम रखें और हम सब गुजर मिलके इस संस्था को चलाए रखें। मैं महासचिव जिला गुजर कल्याण सभा चंबा, आज हमारी सभा की कार्यकारिणी की बैठक हुई और इस बैठक में विभिन्न क्षेत्रों से हमारे कार्यकारिणी के सदस्य और सभी पदाधिकारी उपस्थित थे। काफ़ी सभा ने काफ़ी समुदाय की समस्याओं पर विचार विमर्श किया और उनको हल करवाने के निर्णय लिए गए। अभी मुख्य चर्चा ये रही कि कुछ लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पर डेली डाल रहे हैं कि 15 दिसंबर को पहले बोल रहे थे कि सभा का इलेक्शन होगा और अब बोल रहे हैं कि वार्षिक अधिवेशन होगा। तो जैसा कि आप सबको पता है कि 2 जुलाई 2018 को जो गुजर कल्याण सभा थी वो भंग कर दी गई थी, जिसमें वो सभी लोग मौजूद थे। उसके बाद 14 जुलाई 2018 को गुजर समाज कल्याण सभा का चुनाव हो चुका है और वो सभा जो है वो अपना काम जो सुचारू रूप से कर रही है, लेकिन कुछ लोगों को ये काम रास नहीं आ रहा है और वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस सभा के नाम को बदनाम कर रहे हैं। अभी सोशल मीडिया में उन्होंने जो डाला था कि वार्षिक अधिवेशन होगा, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उनकी क्या उपलब्धि है कि वो वार्षिक अधिवेशन कर रहे हैं। 2006 में जो कमेटी थी वो उसकी रिन्यू करवानी थी रजिस्ट्रेशन, तो उन्होंने वो 15 साल तक वो रिन्यू नहीं करवाई, जबकि वो 1836 वाला एक्ट चल रहा था। जब सभा का चुनाव हुआ तो उसमें हमने ये 2006 एक्ट के तहत कमेटी रिन्यू करवाई, उसके बाद जो सभा का खाता था वो सब हमने दोबारा से चालू किया जो 2012 से बंद पड़ा हुआ था, और उसके बाद हम जो अपना कार्य जो सब सुचारू रूप से कर रहे हैं और सभा के पास जो सभा के दस्तावेज थे वो मौजूद हैं। तो जो सभा है वो अपना कार्य जो है अब अपने सुचारू रूप से कर रही है, लेकिन उन कुछ लोगों को ये चीज़ जो है रास नहीं आ रही है और वो अधिवेशन बुक के नाम पर, कभी इलेक्शन के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो अगर वो अधिवेशन बुलाते हैं तो वो किस आधार पर अधिवेशन बुला रहे हैं, उनकी उपलब्धि क्या है? पहले अपनी उपलब्धि बताएं कि उन्होंने गुज्जर समुदाय के लोगों पर राजनीति करके गुज्जर समुदाय के लिए क्या किया आज तक, किसी को रोज़गार दिलवाया, कोई ऐसी चीज़ जो कि शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो गुज्जर हॉस्टल हो चाहे गुज्जर भवन हो, आज तक वो हमें नहीं मिला गुज्जर समुदाय को। तो अभी हमारी यही डिमांड है कि शिक्षा स्वास्थ्य पर और गुज्जर समुदाय के लोगों पर, हम अपने समुदाय के लोगों पर उनको शिक्षा के लिए काम करेंगे और ये कमेटी जो अपना कार्यकाल जो 3 वर्ष पूरा करेगी, हमें ना इस अधिवेशन से कोई लेना देना है और ना ये अधिवेशन जो है वो 15 दिसंबर को हमारी तरफ से कोई होगा। अगर वो झूठा प्रचार कर रहे हैं तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बशीर अहमद, जो भी पहले समुदाय को चुनाव के नाम पर गुमराह किया गया और चुनाव के लिए समुदाय को मानसिक तौर पर तैयार किया गया, अब वो चुनाव ना हो करके वार्षिक अधिवेशन में बदल दिया गया, और वो कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा होगा कि हमारे पास ना तो दस्तावेज है ना कोई डॉक्यूमेंट है और ना ही हम चुनाव में सक्षम हो पाएंगे। तो जो इसका चुनाव का नाम बदल के वार्षिक अधिवेशन, जो एक सालाना जलसे का जो नाम दिया गया, उसके बाद जो लोगों में रोष है और उस रोष को लेके जो ये बैठक की गई, और उसका जब कोई आदमी कार्यकारिणी में काम कर रहा है उसके बाद ना उसको वो रिन्यू करा रहा है, ना उसके कोई ऑडिट करवा रहा है, ना उसके कोई डॉक्यूमेंटेशन को प्रिपेयर करवा रहा है, ना कहीं उसका नाम आ रहा है,
नाम एक व्यक्तिगत राजनीति करने के लिए, अपनी फ़ोटो डालने के लिए, लोगों के से मिलने के लिए सोसाइटी का गठन नहीं हुआ था। सोसाइटी का गठन हुआ था काम करने के लिए। जब खुद बैठ के भंग करवाते हैं, खुद सिग्नेचर करते हैं, फिर खुद ही विरोध करते हैं, खुद ही उसको इलेक्शन का रूप देते हैं, खुद ही उसको अधिवेशन में बदल देते हैं, जबकि 15 को अभी तक हुआ कुछ भी नहीं है। तो इसके लिए ये बैठक का मंथन किया गया, ये कमेटी बन चुकी है, इसका रिन्यू डॉक्यूमेंट्स हो चुके हैं, सारा कार्यवाही प्रॉपर मीटिंग्स हो रही हैं, इससे पहले कभी प्रॉपर मीटिंग्स नहीं हो रही थी। तो अब उसके बाद देखते हैं क्या कर पाते हैं और कहाँ तक झूठ को लेकर चल पाते हैं। बस समुदाय को इस चीज़ का इंतज़ार रहेगा और इस जो भी ये रजिस्टर्ड कमेटी है इसके साथ सभी लोग साथ दे रहे हैं और साथ देंगे। और अब जो भी चुनाव होगा वो 3 वर्ष के बाद होगा। जार अहमद जिला गुज्जर समाज कल्याण सभा का अध्यक्ष, आज हमारी रूटीन की गुज्जर समाज कल्याण सभा के पदाधिकारी व सदस्यों की एक अहम बैठक चंबा में हुई, जिसमें रूटीन वर्क जो भी समुदाय के लोगों की समस्याएं हैं उभर कर सामने आ रहे थे, उनको हमारे कमेटी के समक्ष विस्तारपूर्वक चर्चा की गई और उनको हल करवाने के लिए हमने अगली रणनीति तैयार की गई। कुछ एक जो मुद्दे हैं उनको लेकर आज भी हम जिला प्रशासन के डीसी महोदय के साथ मिलेंगे और कुछ समस्याएं जो हैं वो सरकार के द्वारा हल होंगी वहाँ वो हम सरकार के समक्ष उठाएंगे और उस चीज़ की हमने आज गहनता से विचार करके निर्णय लिया। मैं एक बात पहले भी, पिछली बार जो हमारी बैठक हुई थी उसमें मैंने स्पष्ट कर दिया था कि कमेटी के क्या कारगुजारियाँ हैं, कैसे कमेटी बनी और अभी कैसे कमेटी की कार्यकारिणी जो है वो काम कर रही है, उसके बारे में हमने पहले बता दिया और हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी विस्तारपूर्वक इस पर चर्चा कर दी गई है। मैं उसमें ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा कि हमारे जो सभा के पूर्व पदाधिकारी और अध्यक्ष थे, उन्होंने एक प्रोपोगंडा तैयार करके रखा था कि सभा का चुनाव जो है वो 15 दिसंबर को होगा, लेकिन उसके बाद पिछले महीने हमारे जो क्लैरिटी के बाद और लोगों ने उसका विरोध किया, जहाँ जहाँ भी उन्होंने डिमांडें की कि भाई चुनाव हो चुका है, अब इसका कोई चुनाव नहीं होगा, और उन्होंने नई रणनीति और नई प्रोपोगंडा के तहत उस चुनाव का नाम बदल करके एक वार्षिक अधिवेशन रख दिया और नाम दे दिया गुज्जर समाज कल्याण सभा, जो कि गुज्जर समाज कल्याण सभा के ना तो वे पदाधिकारी हैं ना वो एक्टिव सदस्य हैं और ना ही गुज्जर समाज कल्याण सभा के कार्यकारिणी को या सदस्य को, अध्यक्ष जो भी है, उनको विश्वास में लिए बिना अपनी मर्जी से ही और बिना समुदाय को बताए ही वो सब कुछ चेंज करके 15 दिसंबर को एक अधिवेशन का नाम दे करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं, वो सरासर झूठ है। और जबकि जो भी अधिवेशन होगा गुज्जर समाज कल्याण सभा खुद करवाएगी, वो मीटिंग में फैसला होगा, जो कार्यकारिणी के पदाधिकारी हैं जनरल हाउस से उनको बुला करके निर्णय लिया जाएगा। अगर होगा तो भविष्य में कभी भी हम करवा सकते हैं, लेकिन 15 दिसंबर को वो अपनी मर्जी से ही अगर ऐसा अधिवेशन कराना चाहते हैं तो वो सरासर झूठ है, गलत है। और शायद चंबा में तो जैसे हम समझते हैं कि चंबा के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में वो गए, उनको इस चीज़ के बारे में आभास हो चुका कि गुज्जर समुदाय के लोग अब हमारे साथ नहीं हैं, वो जो गुज्जर समाज कल्याण सभा की नई कार्यकारिणी है और नए अध्यक्ष हैं, सब उनके साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम प्रशासन के साथ, सरकार के साथ लगातार उनके काम और मुद्दे उठा रहे हैं, जो भी गुज्जर समाज के लिए भलाई के काम हैं उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, चाहे रोजगार हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो। अभी हमने हर पंचायतों में पंचायत वाइज एक कमेटियों का गठन किया है और उनको भी ये काम दिया है कि वो अपने अपने पंचायत में जितने भी ड्रॉप आउट बच्चे हैं उनकी लिस्ट तैयार करें, उनके साथ हम काउंसलिंग करके उनको स्कूल में छोड़ने के, जो 13 साल की उम्र में उनको स्कूल में छोड़ेंगे और जो 8वीं 10वीं ड्रॉप आउट हैं उसको दूसरे तरीके से उनको पढ़ाई के साथ जुड़वाएंगे। तो इन तरीके से बाकी जो बेरोज़गारी का जो लोग हैं 10वीं और 12वीं पढ़ चुके, और अपना रोज़गार के लिए भी हमने बोला है कि कोई अगर उसमें अगर कोई सरकारी कंपनियों में कोई रोज़गार चाहता है, पाना चाहता है, तो उसके लिए भी हम उसकी लिस्ट करके हम सरकार प्रशासन से मांग करके हम कंपनियों में जरूर उनको रोज़गार दिलवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि प्राइवेट में भी बहुत सारे ऑप्शन हैं कि वो वहाँ पे जुड़ें और अपना रोज़गार कमाएं। तो मैं यही आश्वासन दे रहा हूँ अपने समुदाय को, जो भी कोई अगर
गलत बयानबाजी करें उसके बहकावे में ना आए। तो इसी के साथ अभी हम जो आज के हमारे कुछ इशू हैं, हम जिलाधीश महोदय के साथ मिलेंगे और जो नई ऐसी ये पोजीशन है जिन्होंने बना रखी है सोशल मीडिया के तहत, उसको भी अवगत कराएंगे कि ऐसा कोई सम्मेलन गुज्जर समाज कल्याण सभा का नहीं हो रहा है। तो इसके बारे में हम अभी बात करेंगे।